नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल फार्मेसी हिंदी पे। दोस्तों, आए दिन आप अटैक की खबरें सुनते ही होंगे। 15 साल के बच्चे से लेके 60 साल तक के आदमी, 70 साल का आदमी कोई हो, अटैक एक बहुत ही कॉमन बात हो गई है। इन सब के लिए एक नया कोलेस्ट्रॉल पाया गया है, लिपोप्रोटीन ए। यह रिस्पॉन्सिबल होता है। बेसिकली लिपोप्रोटीन्स जो होते हैं वो फैट और प्रोटीन के से मिलकर बनते हैं। यह दो प्रकार के होते हैं, HDL, LDL। हाई डेंसिटी अपने हेल्थ के लिए अच्छा होता है और LDL जो होता है वह अपनी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक होता है। LDL की ही ये कैटेगरी है लिपोप्रोटीन ए। इसकी नॉर्मल रेंज होती है 30 से नीचे तक, और 30 से 50 तक मॉडरेट रेंज होती है, लेकिन 50 से ऊपर हाई रिस्क रेंज हो जाती है। यह बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है अटैक के लिए। इसके कारण स्ट्रोक, अटैक या कोरोनरी आर्टरी डिजीज, पेरिफेरल आर्टरी डिजीज या अदर ब्लड वेसल्स जो बीमारियां होती हैं, इसे कंट्रोल किया जा सकता है स्मोकिंग बंद करके, या सैचुरेटेड फैट्स जो होता है उसको कम से कम लिया जाए, रेगुलर एक्सरसाइज की जाए, या ग्रीन वेजिटेबल्स ज़्यादा खाई जाएँ, रेगुलर सलाद खाई जाएँ। और यह अगर ज़्यादा बड़ा हुआ है तो इसकी कुछ मेडिसिंस भी होती हैं, रोजोवास्टिन, नेट्रोवास्टिन, ये सब रेगुलर चलती हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको कोशिश की है इस टेस्ट के बारे में बताने की। तो आप सब अपनी सेहत का ध्यान रखें। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।